एक ओर जहां यूपी सरकार जुलाई माह से पहले सप्ताह में रिकॉर्ड वृक्षारोपण कराने जा रही है, तो वहीं मथुरा के मेयर ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने हेतु शहर के भगत सिंह पार्क में कदम के प्राचीन पेड़ को ही कटवा डाला, जिससे आक्रोशित हुए मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने मेयर का पुतला फूंक कर विरोध प्रकट किया। कृष्ण की नगरी मथुरा में कदम के वृक्ष को काटे जाने से मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते रविवार को दर्जनों लोगों ने मथुरा वृंदावन नगर निगम महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के लगाए नारे। इन सभी लोगों का कहना है कि मथुरा एक धार्मिक नगरी है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जगह जगह लीलाओं की छवि आज भी विद्यमान है। मथुरा जनपद में भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय वृक्ष कदम है, जिसे नगर निगम ने कटवा दिया है। भगत सिंह पार्क में रोजाना मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह और रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि महापौर द्वारा इस वृक्ष को कटवाने का घोर निंदनीय कार्य किया गया है। यह वृक्ष हमारी संस्कृति एवं धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसी धर्म आस्था से जुड़े वृक्ष को कटवाया जाना घोर अपराध है। इस निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, हम लोग वर्षों से, मैं तो यहाँ बचपन से, बच्चे जिस उम्र के हैं, मैं तो तब से इसमें टेम्पियो पार्क में आ रहा हूँ और यहाँ की सुंदरता के लिए, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष लगाए गए हैं। मैं इसमें वीरेंद्र अग्रवाल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसमें वृक्षों का वृक्षारोपण कराया, पौधों का रोपण कराया और आज वो प्रफुल्लित पुलकित हो रहे हैं। यहाँ पर सारे वृक्षों के अपने सेंटिमेंट्स हैं। कदम का वृक्ष भगवान कृष्ण के जमाने का है। ये हमारी समझ में तो मथुरा नगर निगम, हम सोच रहे थे बन जाने से मथुरा पेरिस लंदन बन जाए, इसमें एक आधुनिक स्वरूप इसका निकल के आएगा। कदम का वृक्ष जो है भगवान का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप हमेशा वृक्षों का होता है और कदम हमारे यहाँ द्वापर युग से चला रहा, इसकी पूजा करते हैं। मिट्टी देखिए कैसे कदम के वृक्ष पर लगी हुई है। ये लोग धर्म की आस्था बांध के रखने वाले, राम की दुहाई देने वाले, कृष्ण की दुहाई देने वाले ये लोग एकदम जो यहाँ की संस्कृति है, ब्रज की धरोहर है, उसको नष्ट करते आ रहे हैं।